हेलो स्टूडेंट्स, खूब पढ़ो खूब बढ़ो। आज हम सीखेंगे फैक्टर थ्योरम। तो आइए, स्वागत है आपका, सीखते हैं फैक्टर थ्योरम। देखिए प्यारे बच्चों, फैक्टर थ्योरम को सीखने के पहले देखते हैं फैक्टर क्या होता है। देखिए फैक्टर आप लोगों ने इसको सीखा होगा, एक बार इसका रिवाइज करते हैं। सपोज करते हैं कोई सा एक नंबर है 20 लिया। अब इस 20 को लेकर के ऐसे नंबर से देखेंगे जिनका मल्टीप्लाई करें तो 20 आए। देखिए 1 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आएगा, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो भी 20 आएगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आएगा। और आप देख रहे हैं यदि इनको पलट दें, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 20 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो भी 20 आएगा। तो यहां पर हमें 1, 2, 4, 5, 10, 20 ये नंबर्स मिले हैं और यही नंबर्स इस 20 के फैक्टर्स कहलाएंगे। और यदि एक की बात करेंगे, 1 20 का फैक्टर है, 2 20 का फैक्टर है, इसी तरह से 4, 5, 10 एंड 20 ये अलग अलग 20 के फैक्टर है। तो इस तरह से मल्टीप्लाई के द्वारा हमने जाना कि ये फैक्टर है। लेकिन यदि एक अकेला नंबर लिख दिया जाए फिर बोले कि बताइए किसी अदर्स नंबर का फैक्टर है कि नहीं, तो इसको जानने के लिए, पहचानने के लिए एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि एक कोई सा भी नंबर किसी अदर्स नंबर का फैक्टर कहलाएगा यदि इस नंबर के द्वारा इस नंबर को डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर यदि जीरो आ जाए तो यह डिवाइजर इस डिविडेंड का फैक्टर कहलाएगा। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। जैसे यहां पर 2 से 20 को डिवाइड करें देखिए 10 टाइम्स जाएगा, -0, देखिए रिमाइंडर 0 आ गया, तो 2 20 का फैक्टर है। इसी तरह से कोई सा भी नंबर ले लें, 4 से यदि 20 को डिवाइड करें तो 4 5 20, माइनस कर देंगे 20 में 20 जाएगा, 0 आएगा, देखिए रिमाइंडर 0 आया, मतलब 4 20 का फैक्टर है। तो आप एक बात ये भी याद रखिएगा कि यदि रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो यह डिवाइजर 20 का फैक्टर तो होगा ही, साथ में यह क्वेशेंट नंबर भी इस नंबर का फैक्टर होगा। मतलब 5 भी देखिए 20 का फैक्टर है, ऊपर हमने यहां पर चेक करके देखा था, इसी तरह यहां पर 10 भी 20 का फैक्टर है। तो इस तरह से जो डिवाइजर नंबर होगा और जो क्वेशेंट नंबर होगा, देखिए यहां पर क्वेशेंट रहता है, हमें मालूम है यहां डिवाइजर, इधर रिमाइंडर, इधर क्वेशेंट एंड इधर डिविडेंड। तो यह क्वेशेंट नंबर एंड डिवाइजर नंबर बोथ आर फैक्टर्स ऑफ दिस डिविडेंड। ये जो कॉन्सेप्ट नंबर पे हमने देखा यह पॉलिनोमियल्स पे भी अप्लाई होता है, जिसके लिए फैक्टर थ्योरम बना हुआ है। तो फैक्टर थ्योरम, थ्योरम मतलब स्टेटमेंट, ऐसा स्टेटमेंट जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है और जिसका प्रूफ भी होता है। तो आइए देखते हैं फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। देखिए स्टेटमेंट कहता है इफ px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड a इज एनी रियल नंबर देन फर्स्ट x माइनस इज अ फैक्टर ऑफ px इफ p इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड p इज इक्वल टू 0 इफ x माइनस इज अ फैक्टर ऑफ px। देखिए एक पॉलिनोमियल को लिया है और एक नंबर को लिया है, दो को लेकर के यहां पर दो कंडीशंस बनी हुई है। तो यहां पर फर्स्ट बात क्या कहता है, px इज अ पॉलिनोमियल, मतलब px कोई सा भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन कोई सा भी नहीं साहब, यहां पर देखिए कंडीशन देके रखा है डिग्री n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वह है 1 से बड़ी या फिर 1 के बराबर होगी, 1 से छोटी नहीं, 1 से छोटी मतलब क्या 0। ये ऐसा क्यों बोल रहा है, देखिए हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल्स में 2 स्पेशल टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं। एक होता है 0 पॉलिनोमियल जिसमें 0 केवल लिखा रहता है और इसकी डिग्री डिफाइन ही नहीं होती है, एंड सेकंड होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब नंबर कोई सा भी 5 लिख दे या फिर माइनस का नंबर लिख दे या फिर रेशनल नंबर लिख दे कोई सा भी या फिर रूट का नंबर लिख दे, तो ये जो नंबर है यह कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स में आते हैं और इनकी डिग्री 0 होती है। तो देखिए डिग्री 0 वाले पॉलिनोमियल और 0 पॉलिनोमियल ये इस फैक्टर थ्योरम में अप्लाई नहीं होते हैं। फैक्टर थ्योरम केवल ऐसे पॉलिनोमियल पे अप्लाई होगी जिसकी डिग्री 1 या फिर 1 से ज्यादा होगी। तो यहां पर ऐसा पॉलिनोमियल लिया जाएगा जिसकी डिग्री 1 से ज्यादा होगी। सपोज करते हैं हमारे पास पॉलिनोमियल है x स्क्वायर
प्लस 5x प्लस 6। देखिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 2। और आगे कहता है स्टेटमेंट, a इज एनी रियल नंबर, मतलब a कोई सा भी एक नंबर, रियल रियल मतलब रेशनल इरेशनल नेगेटिव पॉजिटिव कोई सा भी नंबर हो सकता है। तो इस नंबर को लेकर के देखिए टू कंडीशन यहां पर फाइंड होती है। पहली कंडीशन क्या कि x माइनस एज अ फैक्टर ऑफ px, मतलब ये पॉलिनोमियल जिस वेरिएबल का बना है उस वेरिएबल में इस रियल नंबर को यदि माइनस कर दे तो जो ये पॉलिनोमियल बनेगा यह इस पी एक्स का फैक्टर कहलाएगा यदि पी ए इक्वल टू जीरो। देखिए पी ए यहां पर रिमाइंडर को शो कर रहा है, रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। जो हमने यहां पर नंबर्स का कॉन्सेप्ट सीखा था कि यह डिवाइजर इस डिविडेंड का फैक्टर कहलाएगा यदि रिमाइंडर जीरो होगा, वही यहां पर बोल रहा है पॉलिनोमियल को लेकर के फैक्टर थ्योरम में। एक्स माइनस है पी एक्स का फैक्टर कहलाएगा यदि रिमाइंडर जीरो होगा तब, मतलब यदि एक्स माइनस a के द्वारा px मतलब x square plus 5x plus 6 को divide करें, divide करने के बाद यदि remainder 0 आएगा, ध्यान दीजिएगा pa की value यदि 0 आएगी तो x minus a इसका px का factor कहलाएगा। ये जो है px है, px का factor कहलाएगा। इसी तरह से यहां पर देखिए इसका converse अपोजिट है, जस्ट जैसा यहां पर बोल रहा है उसका उल्टा। उल्टा कैसा कि पी एस कोस्ट जीरो, मतलब रिमाइंडर जीरो होगा कब, यदि x माइनस एज अ फैक्टर ऑफ px, मतलब यदि x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर होगा तो श्योर है रिमाइंडर जीरो होगा। अब इस पॉलिनोमियल को लेकर के ऐसे रियल नंबर बताइए जिनको लेकर के x माइनस ए बनाए जो पी एक्स का फैक्टर हो जाए। तो देखिए एक की वैल्यू इस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के लिए एक की वैल्यू 2 आएंगी। एक मैं बता रहा हूं, एक आप कमेंट्स में बताइएगा वो नंबर कौन सा होगा, एक की वैल्यू जिसको लेकर के वो जो फैक्टर बनेगा वो कौन सा होगा आप कमेंट्स में बताएंगे। तो देखिए एक नंबर होगा यहां पर माइनस 2, सेकेंड आप बताइएगा। तो ये इस माइनस 2 को लेकर के जब हम एक्स के साथ माइनस करेंगे तो एक्स माइनस माइनस 2 यह बनेगा एक्स प्लस 2। तो जो ये एक्स प्लस 2 बना है यह इस पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का फैक्टर कहलाएगा। अब इसको चेक कैसे करें, इसके लिए रिमाइंडर फाइंड कर ले, पी ए की वैल्यू देख ले, यदि पी ए 0 आ जाएगा तो कह सकते हैं कि एक्स प्लस 2 इसका फैक्टर होगा। आप देखिए रियल नंबर माइनस 2 लिया है तो आप x की जगह रखिए पी ऑफ माइनस 2 इक्वल टू, देखिए एक्स स्क्वायर मतलब माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5x मतलब 5 माइनस 2 प्लस 6। अब आप इसको सिंपलीफाई कीजिए, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और आप देख रहे हैं प्लस 5 इंटू माइनस 2 है तो माइनस में आएगा 10 और प्लस में 6। आप देख रहे हैं 4 6 ऐड होंगे, प्लस वाले नंबर 10 आएगा और 10 में 10 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा। हम देख रहे हैं कि p माइनस 2 की वैल्यू 0 आई, p माइनस 2 की वैल्यू 0 आ गई, मतलब p ऑफ a की वैल्यू 0 आई, तो श्योर है कि ये x प्लस 2 इस px का फैक्ट है। इसी तरह से इसके अपोजिट को भी हम सेटिस्फाइड कर सकते हैं। अब आइए इसको प्रूफ करके देखते हैं। देखिए प्रूफ इसका बहुत ही सिंपल सा है, हमें गिवन है px पॉलिनोमियल, लिख लें यहां पर गिवन px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड a इज एनी रियल नंबर। अब इसके प्रूफ के लिए सपोज करते हैं कि कोई सा भी एक पॉलिनोमियल है क्यू एक्स जो क्वेश्चन है, लिखेंगे लेट क्यू एक्स बी द क्वेश्चन व्हेन पी एक्स को डिवाइड कर दें एक्स माइनस ए से। तो देखिए हमें एक चीज मालूम है रिमाइंडर थ्योरम, तो यहां पर मिल जाएगा हमें देन बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम से क्या फाइंड होगा कि रिमाइंडर पी ए फाइंड होगा। Therefore, देखिए हमें मालूम है रिमाइंडर थ्योरम के द्वारा डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। आप देखिए डिविडेंड है अपने पास पी एक्स और इसको डिवाइड कर रहे हैं एक्स माइनस ए के द्वारा, तो डिवाइजर होगा एक्स माइनस ए एंड क्वेश्चन है जिसको सपोज किया क्यू एक्स एंड रिमाइंडर हमें फाइंड हुआ है पी ए। तो देखिए कंडीशन कहती है थ्योरम की कि पी ए की वैल्यू जीरो होगी तभी एक्स माइनस ए इसका फैक्टर होगा। तो आप देख रहे हैं यहां पर पी ए जीरो है, जब यदि यहां पर पी ए जीरो हो जाएगा तो यहां पर फाइंड होगा इसके बाद पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू x माइनस ए मल्टीप्लाई क्यू ऑफ x प्लस 0। अब इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो यही फाइंड होगा, मतलब फाइनली हमें मिलेगा px इक्वल्स टू x माइनस ए
मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स, इधर कंडीशन भी लिख सकते हैं सिंस पी ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो। आप देख रहे हैं यहां पर कि एक्स माइनस ए को क्यू एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो पी एक्स फाइंड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स माइनस ए इस पी एक्स का फैक्टर है। यहां पर आएगा एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। इस तरह से फैक्टर थ्योरम का फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो जाएगा। इसी तरह से सेकेंड को भी प्रूफ कर सकते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट के प्रूफ में भी गिवन है पी एक्स इज अ पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन एंड ए इज एनी रियल नंबर। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और गिवन है सेकेंड के लिए कि यदि एक्स माइनस इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, मतलब सिंस एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, इसका मतलब ये हुआ कि जब x माइनस ए के द्वारा पी एक्स को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो होगा। मतलब इसको हम ऐसा कह सकते हैं व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए देन रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो आएगा। इसका नाम रखते हैं फर्स्ट। अब देखिए बाय रिमाइंडर थ्योरम के द्वारा हमें मालूम है, बाय रिमाइंडर थ्योरम के द्वारा हम जानते हैं कि यदि पी एक्स को x माइनस ए के द्वारा डिवाइड करें तो पी ए रिमाइंडर होगा। व्हेन बाय रिमाइंडर थ्योरम के द्वारा हम जानते हैं कि जब पी एक्स को x माइनस ए के द्वारा डिवाइड किया जाता है तो पी ए रिमाइंडर होता है। तो इसका नाम रख दें यदि सेकेंड, तो आप फर्स्ट एंड सेकेंड से देखिए आप कि ये जो स्टेटमेंट बोला गया है दोनों का सेम है और रिमाइंडर की वैल्यू इसके जीरो इक्वल आई है और इधर रिमाइंडर की वैल्यू पी ए के इक्वल आई है। तो ये जो आर एच एस पार्ट है ये भी इक्वल होगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से। लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड पी ए इक्वल टू जीरो। इस तरह से सेकेंड पार्ट इस थ्योरम का प्रूफ हो जाएगा। देखिए इस थ्योरम का यूज करके क्लास 9th मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करना है।